हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर, दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। दिस सेशन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12th एंड वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दैट इज़ वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्रेजेंट सिनेरियो, वट एवर द प्रेजेंट सिनेरियो इज़ देयर, how can we make our immunity, our immune system strong, how can we prevent so many diseases, how can we stop the spread of the diseases, those all things we are discussing on this platform. So that's why this session, this video, these all the topics are very important, that will create more interest of you in the biology. So we are the human health and disease. In that chapter we are learning a lot of diseases. Let's see what is the disease which we are going to study today. As usual, when we start the lesson, we require a lot of energy. जैसे फैन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, हमें चलने के लिए फूड चाहिए होता है, ऐसे ही हमें पढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए एक और एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें देता है मोटिवेशनल लाइन। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, हैप्पीनेस से है। देखो एक मैंने कहीं पे स्टोरी पढ़ी थी कि किसी से पूछा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, पूछा जा रहा था कि तुम भाई क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर दिया था कि सर मैं खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत डीप उसने एक सेंटेंस बोला था कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। वट एवर यू अचीव इन योर लाइफ, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इनकम्प्लीट, आप इनकम्प्लीट हो, आपको अपने लाइफ में वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल नहीं मिला। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसी को कम अर्निंग में भी है, किसी को ज़्यादा अर्निंग में भी है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द हैप्पीनेस ऑफ पीपल इज़ इन देयर माइंड। ठीक है, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हम अगर सोच लें अगर हमारे माइंड में हैप्पीनेस है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हमें नहीं है हैप्पीनेस तो हम पीसफुल, कहीं पर भी पीस हमें नहीं मिल सकती। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एनी वन, इट मे बी स्टूडेंट, इट मे बी एनी वन, किसी की भी लाइफ में। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ बढ़ते ही आगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ। ठीक है, खुशियाँ कैसे आएगी, जब हमें नॉलेज मिलेगी, जब हमें एजुकेशन होगी तो कन्फर्म है खुशियाँ भी आएंगी, क्योंकि हमें पता होगा कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द प्रोटोजोअन डिजीज़। कल मैंने आपको प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में बताया था। पहली एक डिजीज़ बताई थी, दैट वॉज द मलेरिया। मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम है, वो अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि द प्लाज्मोडियम इज़ डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक की मीनिंग क्या हो गई, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन इन द टू होस्ट, वन इज़ द ह्यूमन एंड अनदर वन इज़ द मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो मैंने आपको दो पार्ट बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बॉडी में कंप्लीट कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे की बॉडी में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, मैंने आपको कल डिस्कस की थी। ठीक है, और मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बोला था लिखने के लिए, उसका आंसर किसी ने अभी दिया नहीं, कि विच ड्रग एक्सपोर्टेड बाई द इंडिया एंड दैट इज़ ऑल्सो यूज इन द केस ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के केस में यूज़ होती है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको लिखना जरूर, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आल्सो अ प्रोटोजोअन डिजीज़। यस्टरडे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीडियो, दैट्स व्हाई आई स्टॉप, मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो उसको उसी को आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट डिजीज़ है अमीबोइसिस। अमीबा का नाम सुना है ये आपने, वैसे तो अमीबा फ्री लिविंग होता है। ठीक है, वैसे जो अमीबा होता है वो फ्री लिविंग होता है, लेकिन कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो डिजीज़ कास करते हैं। ठीक है, उसी में से एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक अमीबा है, एक अमीबा का स्पीसीज है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब देखो इसका जो ये जो मतलब डिजीज़ है ना, ये भी मतलब कैरियर हो सकती है, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक्चुअली ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा था अमीबा में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, अमीबा होता है, इसके ऊपर ऐसे सिस्ट वॉल हो जाती है, इसके अंदर ऐसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, आपने पढ़ रखा है ना। सेम एज इसका भी जो रिप्रोडक्शन है ना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, वो भी ऐसे ही कुछ होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है और वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। अब देखो अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड है, अगर कोई पर्सन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसके बॉडी में है, वो पैरासाइट है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करेगा क्या, एक तो वो डिजीज़ कास करेगा और दूसरा उसके अंदर वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा।
जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो ये जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के जो स्पोर्स होते हैं, आपको मैंने अभी बताया ना, सिस्ट ऊपर सिस्ट वॉल बना लेते हैं, अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. दोज स्पोर्स कम आउट ऑफ द बॉडी विद द फीकल, जो फीकस मैटर होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टूल होता है बॉडी का, उसके साथ ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं. और ये स्पोर्स जैसे ही ड्राई होते हैं, ये फूड या वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. ठीक है, अब इसमें फ्लाई भी हेल्प करती है. अगर फ्लाई उस स्टूल या उस फीकल मैटर पे बैठ गई तो उसके बॉडी से ये स्पोर्स इसके अटैच हो जाते हैं और ये दूसरे फूड को, मतलब वो फूड को कंटेमिनेट कर देती है, वाटर को कंटेमिनेट कर देती है. और व्हेन द पीपल इनटेक दोज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, द स्पोर ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंटर्स इन द बॉडी, और वो बॉडी के अंदर आ जाता है. इसका जो मेन टारगेट है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, जो मेन टारगेट ऑर्गन है इस पैथोजन का, इस कॉजिटिव एजेंट का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट इतना ज़्यादा इन्फेक्शन ये कास कर देता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो इपिथिलियम होती है, मतलब जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको रपचर्ड करने लगते हैं. ठीक है, ये एक ऐसे एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो रपचर्ड होने लगती है, वो डिजॉल्व होने लगती है. तो अगर डिजॉल्व हो रही है तो तुम्हें पता है टिश्यूज़, उसमें से टिश्यूज़ निकलेंगे और ब्लड भी निकलेगा, और वो ब्लड किसके साथ बाहर आएगा बॉडी के, स्टूल के साथ. समझ में आ गया? तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया, कौन सी डिजीज़ है, अमीबोइसिस. और इसमें क्योंकि डिसेंट्री होती है, आपने डिसेंट्री पढ़ रखा है, इसीलिए इसको अमीबोइक डिसेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि अमीबा से हो रही है. ठीक है, इसीलिए इसको अमीबोइक डिसेंट्री भी बोलते हैं. क्लियर है? और इसका कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, बाई द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर कैसे कंटेमिनेट हुआ ये मैंने बताया. अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी में जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो रिप्रोड्यूस करने हैं. रिप्रोड्यूस करने के बाद उनके जो स्पोर्स हैं वो किसके साथ बाहर आ जाते हैं, स्टूल के साथ बाहर आ जाते हैं. ठीक है, और जब वो फीकल मैटर बाहर में होता है, ओपन में होता है, तो उसमें फ्लाइज लग सकती हैं, वो डायरेक्ट जो है फूड एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, और वो फूड एंड वाटर को क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा. दैट्स वाई वी शुड अवॉइड ईटिंग एनी ओपन मटेरियल. कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी फूड मटेरियल ईटेबल है, अगर वो खुला रखा हुआ है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और फ्लाइज से उसको बचाना चाहिए. ठीक है, अब देखो इसके कुछ सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स क्या क्या है, डिसेंट्री का तुम्हें सिम्टम पता है कि उसमें क्या होता है, डायरिया होता है, मतलब जो बॉडी से बहुत ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लूइड की तरह, म्यूकस, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, वाटर बहुत ज़्यादा है, उसकी तरह होता है. तो देखो, अगर किसी डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, तो कन्फर्म है एब्डोमिनल पेन होगा. माइल्ड डायरिया, बताया ना, डायरिया ज़रूर होगा, डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, और जब फीकल मैटर पास होगा तो उसमें म्यूकस बहुत ढेर सारा होगा. म्यूकस होगा क्योंकि, म्यूकस क्यों रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, उसको ये क्या कर दे रहे हैं, डिजॉल्व कर दे रहे हैं. तो अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो म्यूकस सेक्रेट हो रहा है, और वो जो डिजॉल्व वॉल है, वो पीसेस, वो टिश्यूज़ के पीसेस भी बाहर आने लगते हैं और ब्लड भी बाहर आने लगता है. तो ब्लड नेक्रोटिक, मतलब क्या, जो टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, जिन टिश्यूज़ को ये किल कर देते हैं, ठीक है, वो टिश्यू को हम नेक्रोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन या नेक्रोटिक टिश्यू बोलते हैं, वो भी फीकस मैटर के साथ बाहर आने लगता है. समझ में आया? तो ये सीवियर, देखो ऐसी कंडीशन जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे आपने स्लम्स के बारे में सुना है, आपने हैमलेट्स के बारे में सुना है, वहाँ पे क्या होता है कि सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, ओवर क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होते या उनकी क्लीनिंग नहीं होती. तो होता है क्या है, वहाँ पे जो फीकल मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइज और कैरियर के कॉन्टैक्ट में आता है और ये डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ ड्रग्स के मैंने नाम लिख रखे हैं जिन ड्रग्स को हम इस डिज़ीज़ में यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये नेक्स्ट प्रोटोजोआ है, क्योंकि तुम्हें पता है अमीबाई भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके सिम्टम्स क्लियर हो गए, ये कैसे स्प्रेड होता है. ठीक है, नाउ द प्रोटोजोअन डिजीज इज फिनिश. यहाँ पे प्रोटोजोअन डिजीज़ ख़त्म हो गई. तो आपने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली, वायरल डिजीज़ पढ़ ली, और क्या पढ़ ली, प्रोटोजोअन डिजीज़ पढ़ ली. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलमेंथिक डिजीज़. हेलमेंथिक 11th में आपने पढ़ा है ना, वॉर्म. हेलमेंथिक मतलब वॉर्म, जैसे प्लेटी हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनीलीडा, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, वॉर्म की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, वॉर्म्स होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं ना ऐसे, और वॉर्म्स आपने पढ़ रखा है वॉर्म्स के क्या क्या फीचर होते हैं. तो कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं और डिजीज़ भी कास करते हैं. लेट्स सी वो कौन कौन से ऐसे हेलमेंथिक है या वॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. देखो, तो पहला मैंने इसको इंट्रोडक्शन लगा दिया है,
कि हेलमेंथिक डिजीज़ होती है, पैरासाइट्स होते हैं, तुम्हें पता बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर हम अर्थवॉर्म को देखें तो वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, और भी अगर वॉर्म्स को देखें तो वो पैरासाइट नहीं होते, जैसे प्लानेरिया पैरासाइट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हेलमेंथिक होते हैं, मतलब हेलमेंथिक होते हैं, वॉर्म्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और मोस्टली वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा वॉर्म बताओ जो एक्टो पैरासाइट होता है, लीच, याद है ना, लीच क्या करता है, एक्टो पैरासाइट होता है, वो ब्लड को सरफेस से सक करता है। लेकिन कुछ पैरासाइट क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट मतलब दे एंटर इन द बॉडी, गट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और गट से फिर धीरे धीरे अदर बॉडी पार्ट पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये वॉर्म ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे, पहले तो ये आते हैं तो छोटे रहते हैं, इनके एग्स आते हैं बॉडी में, इनके एग्स चले आते हैं, फिर धीरे धीरे जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ को बोर कर सकते हैं, उनमें छेद कर सकते हैं, परफोरेशन कर सकते हैं, और उस तरह से वो धीरे धीरे ब्रेन तक पहुँच सकते हैं। ऐसी भी कुछ कंडीशन देखी गई है कि लोगों को ऐसा, लोगों ने कंप्लेन किया, कुछ पेशेंट ऐसे मिले जिनमें कंप्लेन हुई कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है। तो जब उनका सीटी स्कैन कराया गया, ठीक है, एमआरआई कराया गया, तो पता लगा उनके ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर है जो घूम रहा है। तो बाद में जब सर्जरी से निकाला गया तो पता लगा वो क्या था, वो वॉर्म था। तो ऐसी भी सीवियर कंडीशन हो सकती है कि ये वॉर्म डिफरेंट ऑर्गन को पेनिट्रेट करके उसमें इंटर कर सकते हैं, तो काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है बच्चों को या बड़ों को कि हर दूसरे महीने उनको कोई ना कोई एंटी हेलमेंथिक टैबलेट खा लेनी चाहिए, और ये आपको भी पता होना चाहिए। तो आज ही से ये कंपेन स्टार्ट करोगे कि हर दूसरे तीसरे महीने एक एंटी हेलमेंथिक टैबलेट मार्केट में मिलती है, 10 या 12 रुपए की आती है, उसको खा लिया करो, उससे बेनिफिट की। देखो ये हेलमेंथिक ऐसा है ना, जैसे आपने फ्रूट्स खा लिया, वेजिटेबल खा लिया, जो उसमें सॉयल लगी होती है, जो सॉयल में है, ठीक है, या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो सॉयल से, जैसे पोटैटो है। अब ये सॉयल, ये हेलमेंथिक मतलब जो वॉर्म्स होते हैं, ये सॉयल में ज़्यादा होते हैं, हो सकता है वो वेजिटेबल या जो फ्रूट्स हैं उसके साथ अटैच हो गए और आपने उनको खा लिया, आपको पता ही नहीं लगा। इसीलिए जितने भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत अच्छे से वॉश करके तभी इनका इंटेक करना चाहिए, समझ में। तो लेट्स सी फर्स्ट हेलमेंथिक डिजीज़, दैट इज़ एस्केरियासिस। सब लोग को याद आ गया होगा, आपने एक लैब में भी आपने स्पेसिमेन देखा है एस्केरिस का, याद है ना, एस्केरियासिस, एस्केरिस। तो इस लैब में जब आपने स्पेसिमेन देखा है तो उसमें आपने क्या देखा था कि वाइट कलर का आपको एस्केरिस दिखाया गया था, और एस्केरिस किसको बिलोंग करता है, एस्के हेलमेंथिस को बिलोंग करता है। और एक स्ट्रक्चर, और एक फीचर आपको याद आ गया होगा कि जो मेल एस्केरिस होता है दैट इज़ शॉर्टर देन द फीमेल, और जो फीमेल होती है उसके लास्ट पार्ट पे थोड़ा सा वो कर्ली होता है, मतलब राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये दो पहचान होती है कि मेल और फीमेल को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने 11th में देख रखा है इसको, देखो ये मैंने पिक्चर भी लगा दी है, इसको मत देखना, ये पिक्चर लेते टाइम स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाइट कलर का आपने देख रखा है ना, अब ये जो ऐसे राउंड हो जाते हैं ना, ये फीमेल का भी, ये भी एक करेक्टरिस्टिक होता है फीमेल का। एक तो फीमेल लॉन्गर होती है मेल से, लेकिन ये भी एक करेक्टरिस्टिक होता है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल एस्केरिस है कि फीमेल एस्केरिस है, और ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, ये तो आपने देख रखा है लैब में, क्लियर। तो इतना आपको पता है कि एस्केरिस क्या होता है, ये आपने सबने देख रखा है। अब यही एस्केरिस बॉडी में कैसे आ जाता है, अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा एस्केरिस तो हम देख के उसको हटा ही देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस इतने बड़े जायंट फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, ये एक्स, इनके एक्स एंटर करते हैं बॉडी में। तो देखो कॉजिटिव एजेंट एस्केरियसिस का क्या हो गया, बहुत ईजी है नाम याद करना, एस्केरिस, ठीक है। इसका पूरा नाम मैंने लगा दिया है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, दिस इज़ द फुल नेम ऑफ द एस्केरिस विच कॉज एस्केरियसिस, जो एस्केरियसिस कास करता है, ठीक है। इट इज़ अ जायंट वॉर्म, अभी देखा ना आपने इतना बड़ा वॉर्म होता है, वाइट इन कलर, फीमेल में, फीमेल ले, सॉरी ले होगा एल ए वाई, फीमेल ले अबाउट 200,000 एग्स डेली, सोचो इतने एग्स ले कर सकती है, ठीक है। अब इतने एग्स ले करेगी तो कन्फर्म है वो जो एग है वो फीकल में आ ही जाएगा, फीकस में आ ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अलाइव रहते हैं, मतलब जो इनके एग्स होते हैं जो फीकल मैटर के बॉडी के, ह्यूमन के जो फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं वो काफ़ी टाइम तक अलाइव रहते हैं। इसका मतलब है कि वो काफ़ी टाइम तक अलाइव है तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसमिशन भी हो सकता है, वो फूड को कंटेमिनेट करेंगे तो उनके एग वहाँ पहुँच जाएंगे, समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, एक तो सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन करके,
ठीक है, फीकल मैटर ओपन डिफिकेशन ना होने दें। इसीलिए देखो जो स्कीम चलती है ना स्वच्छता अभियान में क्या किया गया कि जो ओपन डिफिकेशन है उसको काफ़ी डिस्करेज किया गया, ठीक है, जिससे टॉयलेट्स का फॉर्म मतलब कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, और जो लोग हैं वो फीकल मैटर बाहर ना आए, ठीक है, उसको बंद रहे, मतलब वो क्लोज फॉर्म में रहे, पिट्स फॉर्म में रहे, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये सारी डिजीज़ को रोकना ही है, इनको ख़त्म करना है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे फीकल मैटर बाहर होता है और वो कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से एस्केरियसिस किससे होता है, एस्केरिस लुम्बिकॉइड से होता है क्या, वॉर्म है, ठीक है। इसके फीचर क्या होते हैं कि इतने सारे एग ले कर सकता है, और आपको और दो एक दो फीचर पता ही है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे बॉडी में एंटर करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें सिम्टम्स क्या आएंगे, जब भी ये डिजीज़ होगी तो सिम्टम्स क्या आएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग। अब इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होती है, देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो ये उसमें चले जाते हैं, इनका जो मेन जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को परफोरेट कर सकते हैं। जब ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो क्या करेंगे, परफोरेशन कास्ट करेंगे, परफोरेशन मतलब उसमें छेद कर देंगे, जब परफोरेशन कर देंगे तो कन्फर्म में ब्लीडिंग होगी ना, ठीक है। कभी कभी तो सीवियर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करना पड़ता है, जो इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा पहुँच गया तो वो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट को डैमेज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं तो डॉक्टर उनको कट करके निकाल के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं दूसरे के साथ, समझ में, ऐसी भी कंडीशन आती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग दूसरा, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या स्टमक से रिलेटेड कुछ भी है तो मस्कुलर पेन होगा, क्योंकि स्टूल फीकल मैटर ज़्यादा रिलीज होता है, फीवर होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो क्या होने लगेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, इन्हीं की वजह से, इनके इन्फेक्शन की वजह से जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह से ब्लॉक होने लगेगा, समझ में। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये क्या कर सकते हैं, ये परफोरेट करके, पेनीट्रेट करके अदर ऑर्गन को भी मूव कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को ये पेनीट्रेट करके ये किडनी, ब्रेन और अदर वाइटल ऑर्गन को भी जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर इनको सीवियर कंडीशन होने के पहले ही ना रोका गया तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं वाइटल ऑर्गन्स को भी, समझ में आ गया। तो एस्केरियसिस कहने को तो बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर हम अवेयर करें लोगों को, कंपेनिंग करें कि भाई कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, अगर उसको खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये जो इनके एग्स होते हैं ना वो तो फीकल मैटर में होते हैं और सॉयल में होते हैं, सो सॉयल में कुछ भी हो रहा है तो उससे आ जाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं जो सॉयल से आप लेते हो, मतलब सॉयल से आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वो ऊपर नहीं होते, गिरते तो हैं ना नीचे, उसमें सॉयल तो लगी जाएगी, तो सॉयल लग जाएगी तो कन्फर्म है। ये डिज़ीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा वहाँ पे मोस्टली मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी ज़्यादा होती है, तो कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो बच्चे उठा के उसको खा लेते हैं, हो सकता है उस सॉयल में इसके एग रहे हों और उनके बॉडी में आ जाए। तो आपने सुना होगा पेट में जो केचुए निकलते हैं वो एक्चुअली यही होते हैं, जो आपने सुना होगा कि पेट में केचुआ निकल रहा है, केचुआ आ गया है, तो वो केचुआ वो अर्थवर्म नहीं होता, वो यही होता है, ठीक है, और सीवियर कंडीशन में काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को डेली 2-3 महीने में कंपेनिंग चलानी चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी एडवाइस करना चाहिए कि आपको एंटी हेलमेंथिक टैबलेट्स का इंटेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अब ये फिगर देखो, ठीक है, ये बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, ये क्या हो गया, ये तो एक लेग है लेकिन ये लेग में क्या हो गया, ये लेग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक अमाउंट से कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग लग रही है, ठीक है। अब ये एकदम एलिफेंट की तरह हो गया, ये लेग जो है इसका, ये पर्सन का एकदम एलिफेंट की तरह हो गया। एक्चुअली ये डिज़ीज़ है, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि उसने मसल्स बना ली है, ठीक है, ये डिज़ीज़ है, इसी डिज़ीज़ को फाइलेरिया बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा फाइलेरिया, इसी को हिंदी में हाथी पाँव या इंग्लिश में एलिफेंटियासिस बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है एलिफेंटियासिस बोलने का, क्योंकि इसमें जो मतलब लेग्स होते हैं, जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, एकदम एलिफेंट के फूट की तरह हो जाता है, फीट की तरह हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, एलिफेंटियासिस बुलाते हैं। और ये भी एक हेलमेंथिक डिजीज़ है, ये वॉर्म से होती है, ठीक है, और ये भी वॉर्म आपने पढ़ रखा है, वो केरेरिया 11th में आपने एसके हेलमेंथिस में एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, वो केरेरिया, वो केरेरिया क्या कास करता है, फाइलेरिया कास करता है, इसलिए उसको फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं।
ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन कौन से कॉजिटिव एजेंट होते हैं और ये डिजीज़ कैसे होती है। एक्चुअली ये डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है ना वो वेक्टर के थ्रू होता है। अब तुम कह रहोगे कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे वेक्टर ही हैं, मॉस्किटोज़ हैं। सही है, मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, इनको तो हम डेलीबरेटली चाहते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएं, लेकिन इनको एक्सटिंक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होगे मॉस्किटोज़ धीरे धीरे अपने आप को एडवर्स कंडीशन में अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। पहले आप कॉयल लगा के मॉस्किटोज़ को मार देते थे, अब देखो कॉयल लगाने पे मॉस्किटोज़ अनकॉन्शियस तो हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। ये इवोल्यूशन है, ये प्रेजेंट एग्जांपल है इवोल्यूशन का कि किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमें वेक्टर से, वेक्टर को इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, ताकि इन सारी डिजीज़ को रोका जा सके। ठीक है, लेट्स सी फाइलेरिया। अब देखो फाइलेरिया को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं। इसके दो कॉजिटिव एजेंट होते हैं, जीनस तो सेम होता है, ओकेरेरिया, ओकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ओकेरेरिया मलाई। ठीक है, ये वो वाली मलाई नहीं है, ये मलियाई है। ठीक है, वाई आई है, ठीक है, मलियाई याद रखना, याद रखने का तरीका है, ओकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड ओकेरेरिया मलियाई। ठीक है, तो इस तरह से दो इसके क्या हो गए, कॉजिटिव एजेंट हो गए। अब ये पर्सन से पर्सन कैसे ट्रांसमिशन हो जाए इसका, मॉस्किटोज़ के बाइट से, और वो कौन सा मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स। वैसे तो ये भी रिपोर्ट मिली है कि कुछ एनाफिलीज भी इसका ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन मेजर मतलब मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसमिशन करता है वो क्यूलेक्स होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ होता है। ठीक है, देखो क्यूलेक्स, एडिस, ये सारे मॉस्किटोज़ के नाम हैं, क्यूलेक्स, एडिस और एनाफिलीज, ये तीन मॉस्किटोज़ ऐसे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो पैरासाइट जो होता है ना, ये कहाँ जाके रिसाइड करता है, लिम्फ वेसल्स में। आपको पता है हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं, तो ये जो पैरासाइट होता है ओकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये आता तो मॉस्किटो के साथ में, लेकिन बाद में ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। लिम्फ वेसल्स में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन कास्ट करता है, जिसकी वजह से जो लिम्फ फ्लूइड है ना, जो आपने देखा ना अभी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्चुअली वो फ्लूइड के सेक्रेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें जो लिम्फेटिक फ्लूइड भरा होता है वो पूरी तरह से बढ़ता चला जाता है, और उसी कंडीशन को हम ओडिमा बोलते हैं। वैसे तो ओडिमा मतलब होता है स्वेलिंग, अगर कहीं पे स्वेलिंग आने लगे तो उस कंडीशन को ओडिमा बोलते हैं। अगर लिम्फ वेसल्स की इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाए तो जान लो उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोडिमा, क्योंकि लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग आ रही है, समझ में आया। ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू, भाई लिम्फ वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू ही तो है। लिम्फ पैरासाइट आर वीवी पैरस, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि ये वीवी पैरस होते हैं। ठीक है, यंग वंस आर कॉल्ड माइक्रोफाइलेरिया, जब यंग वंस होते हैं ऐसी कंडीशन में इनको मारना बहुत आसान होता है, माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, ये पहुंच जाते हैं, एक्चुअली इनमें इनकी जो मूवमेंट होती है बड़ी अजीबो गरीब होती है, बहुत अमेजिंग होती है। देखो समझ में आया ना, जी वो केरिया बैंक्रॉफ्टी जब बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो जब सबसे पहले जो यंग वंस होंगे, जैसे हमारे जो यंग वन हो, जैसे फीटस आप जानते हो ना, ऐसे ही जान लो ये माइक्रोफाइलेरिया ही होते हैं, स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट होता है। ये माइक्रोफाइलेरिया ही सबसे पहले ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं, फिर स्किन के एरिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिससे स्किन के एरिया में पहुंचने से क्या बेनिफिट है मॉस्किटोज़ को या इनको, कि जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो जब वो स्किन से ब्लड को सक करेगा तो उसके गट में ये माइक्रोफाइलेरिया ही चले जाते हैं, मतलब मॉस्किटो में चले जाते हैं, समझ में। ठीक है, और देखो इनकी मूवमेंट भी डिसाइडेड है 8 PM to 4 AM, ये ब्लड वेसल से स्किन एरिया में कितने से कितने बजे तक मूव करते हैं, 8 PM to 4 AM। अब तुम कहोगे सर कैसे पता, देखा, अरे भाई ऑब्जर्व किया होगा किसी पेशेंट में, उसकी बॉडी को जब ऑब्जर्वेशन में रखा होगा तो देखा होगा कि ये जो पैरासाइट्स हैं ये ब्लड वेसल से स्किन एरिया में मूव करते हैं। ठीक है, और उसी टाइम अगर मॉस्किटो उसको बाइट कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसका जो स्प्रेड है उस डिज़ीज़ का वो किसी और हेल्दी पर्सन को पहुंच जाए, समझ में। ठीक है, अब देखो ये कैसे पास होते हैं, पंचर स्किन, भाई स्किन को क्या करेगा, पंचर करेगा, कौन पंचर करेगा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये पंचर करके कहाँ पहुंच जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से पहुंच जाते हैं, पहले स्किन को पंचर करते हैं धीरे धीरे लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुँच जाते हैं, समझ में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंटी हेलमेंथिक टैबलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, और ये डिजीज़ तो क्यूलेक्स मतलब मॉस्किटोज से स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो हमें वेक्टर से बचना होगा, मॉस्किटोज से बचना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। देखो द डिज़ीज़ पास थ्रू 4 stages, इसके 4 stages होते हैं, मतलब जब भी ये डिज़ीज़ स्टार्टिंग होती है तो देखो क्या क्या होता है।
सबसे पहले ईओसाइनोफिल, आपने 11th में पढ़ रखा है कि WBC के दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें ईओसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये तीन आपने पढ़ रखे हैं। ईओसाइनोफिल के बारे में आपने पढ़ रखा था कि ये वॉर्म को इनगल्फ करता है, न्यूट्रोफिल भी इनगल्फ करता है, लेकिन ईओसाइनोफिल किसको इनगल्फ करता है, वॉर्म्स को, जिनकी साइज़ बड़ी होती है, ठीक है। तो पेशेंट हैज़ इंक्रीज ईओसाइनोफिल, अब समझ में आए ईओसाइनोफिल क्यों बढ़ जाते हैं पेशेंट की बॉडी में, क्योंकि बॉडी में वॉर्म्स ज़्यादा आ गए हैं, तो उनको इनगल्फ करने के लिए ईओसाइनोफिल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। पहली स्टेज कि ईओसाइनोफिल के नंबर बढ़ जाएंगे और लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगी। सेकेंड जो स्टेज आती है वो सिम्टमलेस होती है, इसमें कोई सिम्टम नहीं आता। अगर ब्लड किसी की बॉडी में ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाए तो हमें पता लग सकता है कि हाँ बॉडी में ब्लड में इस तरह के पैरासाइट्स देखे जा रहे हैं और ईओसाइनोफिल के नंबर भी बढ़ गए, तो ये दोनों चीज़ें हमें ये बता सकती हैं कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम या इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम फाइलेरिया, ठीक है। थर्ड जो स्टेज है दैट इज़ फाइलेरियल फीवर, अब क्या स्टार्ट होगा, फाइलेरियल फीवर स्टार्ट हो जाएगा, इसकी स्टार्टिंग, ये सबसे पहला सिम्टम आएगा बॉडी में कि फीवर आ जाएगा, ठीक है। अब जब फीवर आएगा तो फीवर तुम्हें पता है फीवर तो बहुत कॉमन है, कुछ भी होता है तो फीवर ज़रूर आ जाता है, ठीक है। अब ये फीवर फाइलेरिया ही है या और कोई डिजीज़ है, ये किसके बारे में कैसे पता लगेगा, ब्लड टेस्ट से पता लगता है। अगर वो फीवर बना हुआ है तो हो सकता है वो मलेरिया हो सकता है वो फाइलेरिया हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा दिया ना लिम्फेडेंटाइटिस, आपको मैंने बता रखा है जहाँ पे लास्ट में टाइटिस या टिस वर्ड आ जाए इसका मतलब है वो पार्ट इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हो गया, लिम्फ, समझ में आया। और धीरे धीरे लिम्फोडिमा, अभी मैंने आपको बताया था ना ओडिमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, तो किसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं लिम्फोडिमा, ठीक है। मैनिफेस्टेटेड, मैनिफेस्टेटेड मतलब नुकसान पहुंचा देना, ख़राब कर देना बाय लिम्फोडिमा, जो लिम्फोडिमा है जो फ्लूड उससे स्वेलिंग आ रही है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्किन होती है मतलब जो सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं स्किन के, जो नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ने लगती है। स्वेलिंग बढ़ने लगती है तो अंदर की तरफ जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि पैर को काट के निकालना पड़े, ठीक है। सबसे पहले स्वेलिंग फीट में आती है, इसमें अगर किसी के फीट में स्वेलिंग है और उसको इचिंग हो रही है और उसको फीवर है तो जान लेना उसको फाइलेरिया होने के चांसेस हैं। फिर धीरे धीरे लेग्स में आती हैं, फिर थाइस तक पहुंच जाती हैं, स्क्रोटल सैक, ठीक है, और ब्रेस्ट, जितने भी मतलब लार्जर पार्ट होते हैं बॉडी के, ठीक है, जो आउटग्रोथ पार्ट होते हैं उनमें इनके इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समझ में, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसके ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी और अगर मेल है तो उसको स्क्रोटल सैक में भी स्वेलिंग आने के चांसेस हो जाते हैं, समझ में। तो फाइलेरिया के अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके लिए अलग मेडिसिन, अलग कोर्सेज होते हैं और ये काफ़ी डेंजरस डिजीजेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेज़ हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी मैंने देखो एक लाइफ साइकिल यहाँ पे लगा दी है, ये अभी जो मैंने बताया ना, देखो सबसे पहले जो मॉस्किटो है वो बाइट करेगा, उसका लार्वा स्किन के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद ह्यूमन में, देखो ह्यूमन के अंदर आ गया, ये एडल्ट के फॉर्म में आ गया, फिर एडल्ट जो है वो धीरे धीरे शीथेड माइक्रोफाइलेरिया ही प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोफाइलेरिया अभी मैंने बताया ना कि धीरे जब उसकी डेवलपमेंट स्टेज होती है, जब वो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा, लिम्फ में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के थ्रू पहुँच जाएगा कहाँ, स्किन में, ये देखो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गया, स्किन में। अब जब मॉस्किटो फिर से इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो ये उसके बॉडी में चला जाएगा, मॉस्किटो के बॉडी में चला जाएगा, मॉस्किटो के बॉडी में गया तो देखो माइक्रोफाइलेरी वहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे उसके मिड गट से पहुँचते और लार्वल स्टेज में चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, फाइलेरिया की। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि अगर हम मॉस्किटोज़ को ख़त्म कर दें, मॉस्किटोज़ को रोक दें, तो फाइलेरिया का जो स्प्रेड है वो रुक सकता है, समझ में, ठीक है। इसीलिए जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको तो मॉस्किटोज़ से बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए जिससे स्प्रेड ना होने पाए, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया फाइलेरिया के बारे में। तो आज हम लोग ने हेलमेंथिक डिजीज़ पढ़ ली, अब देखो एक लास्ट डिजीज़ पढ़नी है हमें, दैट इज़ फंगल डिजीज़, बस उसके बाद हम प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हमारे पास दो मेन डिजीज़ होंगी, एड्स और कैंसर,
एड्स और कैंसर के बारे में हमें ज़्यादा हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी, तो नेक्स्ट डिजीज़ में लेके आऊँगा फंगल डिजीज़, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इन योर टेस्ट देयर विल बी अ फर्स्ट चैप्टर आएगा। फर्स्ट चैप्टर के लिए जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच कर लो, उनको देख लो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे को मैसेज कर दो, तो मैं आपको उन टॉपिक्स को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है? तो आई एम एंडिंग द सेशन। कन्फर्म है कि यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इसकी कंपेनिंग ज़रूर किया करो, उसको स्प्रेड ज़रूर किया करो, ठीक है। होप सो यू आर डूइंग वेल एट योर होम। सब लोग अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताएंगे ज़रा, ठीक है। यहाँ सर बहुत मज़ा आ रही है पढ़ने में भी, और हमने फिज़िकल एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी। फिज़िकल एक्सरसाइज सबको करनी है जिससे आप फिट रहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है, क्लियर है? सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करके जाना, और इस चैनल को, इस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा स्प्रेड करो, खूब ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ जिनको डिजीज़ के बारे में पढ़ना है।